जय हिंद एवरीवन। और आप लोग को ना आई साइट को लेके, इंडियन आर्मी में आई साइट रिक्रूटमेंट को लेके, जो आई साइट का क्या बेसिक चीज़ें होना चाहिए, क्या लैसिक ऑपरेशन उसमें अलाउड है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत डाउट करता है आपको। आपकी आंखों का जो रोशनी है कितना होना चाहिए, स्पैक्स पहन के आप अलाउड है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें डाउट आपको है। और ये डाउट यूट्यूब के हर वीडियो में है, क्योंकि कुछ ना कुछ किसी में साइट में दिया है। तो मैं आपको हर दिन सजेस्ट करके आया हूँ, आज भी सजेस्ट कर रहा हूँ। तो प्लीज़ हमेशा जो ऑफिशियल प्रॉस्पेक्ट आपका निकलता है, ऑफिशियल जो पीडीएफ आता है, उसमें जो चीज़ें दिया है उसी को फॉलो करें। अभी मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हैं। तो ये आगे हैं हम ऑफिशियल पीडीएफ की तरफ। यहाँ पर जो लिखा है चीज़ें वो आपको फॉलो करना है। इतना आपका विजुअल स्टैंडर्ड होना चाहिए। देखिए, विजुअल स्टैंडर्ड में विजुअल एक्यूरेटी बोलता है कि 6x12 ईच आई और करेक्टेबल 6x6 ऑफ ईच आई, मतलब दोनों को मिला के 6/12 होने से भी चलेगा, और कॉन्टेक्टेबल करेक्टेबल टू 6x6 अगर 6x6 है वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया है मैक्सिमम लिमिट्स ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स, हाइपरमेटोपिया प्लस 2.0D, उसके बाद मायोपिया 1D इंक्लूडिंग प्लस और माइनस 0.50D अस्टिगमाटिज्म, ठीक है। ये चीज़ें है आप में, इतना आपका एरर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जो कलर विजन है वो CP2 होना चाहिए, उससे ज़्यादा इससे कम नहीं होना चाहिए। कॉर्नल सर्जरी या फिर PRK या फिर लास्टिक सर्जरी जो आप पूछते हो हर कमेंट्स पे, इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। उसके साथ जो भी लड़कियां और लड़के ग्लासेस पहनते हैं उनके लिए है, कैंडिडेट शुड ब्रिंग द प्रेस्क्रिप्शन एंड स्पेक्टेकल्स द करेक्ट विजन इफ यूज। अगर आप में आपके स्पेक्टेकल्स में करेक्ट विजन यूज़ हुआ है या फिर आप पहनते हो, उसकी जो प्रेस्क्रिप्शन है वो लेके आना है। द लेटेस्ट प्रेस्क्रिप्शन शुड बी कॉन्टेंट डायोप्टर मैनेजमेंट, उसके बाद ऑप्टीमेजोलॉजिस्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद स्टैम्प सिग्नेचर ऑफ डेट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन शुड बी विद इन ए मंथ प्रायर टू अपियरिंग द मेडिकल एक्शन, मतलब बोल रहा है कि एक महीने के अंदर वो प्रेस्क्रिप्शन होना चाहिए आप में। अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं या फिर आप ये पहनते हैं, स्पेक्स पहनते हैं, या फिर कोई चीज़ें ऐसा है जो आपको करेक्टेड विजन के लिए आप यूज़ करते हैं, तो उसकी प्रेस्क्रिप्शन विद इन ए मंथ होना चाहिए और वो आपने लेके आना। उसमें आपकी जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, स्टाम्प एंड सिग्नेचर होना चाहिए उस डॉक्टर का, ठीक है। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें लेके जाना है आप जब भी मेडिकल में जाते हो। और ये है आपके आई की करेक्ट विजन। अगर इसमें भी आपको डाउट है तो नीचे कमेंट करना आपके आई साइड कितना है, क्या प्रॉब्लम है, वो हम रिप्लाई कर देंगे। वीडियो अच्छा तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।